हाय फ्रेंड्स, ये है यूलांजू की L4X। ये एक मिनी मोटराइज इलेक्ट्रिक डॉली है कैमरास के लिए, कैमकॉर्डर्स के लिए और मोबाइल फोन्स के लिए। ये प्रीमियम अल्मोनियम अलॉय से बनी है, लाइट वेट है, ड्यूरेबल है और रस्ट फ्री है। 3 किलो तक का पेलोड ले लेती है। इसके साथ एक रिमोट भी आता है जिससे इस डॉली को स्टार्ट स्टॉप किया जा सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाया जा सकता है और 3 मोड में स्पीड को एडजस्ट किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं इस इलेक्ट्रिक डॉली को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिज़ाइन को, लुक को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिक डॉली लेने लायक है। मैं हूं डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं BCD टेक यूट्यूब चैनल को। ये लैंजू की डॉली आती है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। ये लैंजू लिखा हुआ है, इनकी वेबसाइट, ईमेल आईडी और एड्रेस यहां पर लिखा हुआ है। एक स्टिकर भी है ऊपर की साइड को। प्लास्टिक की रैपिंग है बॉक्स के ऊपर। चलिए सबसे पहले इस रैपिंग को हटा देते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हो इनकी वेबसाइट को, ईमेल आईडी को और इनके एड्रेस को। यह है बॉक्स जिसमें ये प्रोडक्ट आता है। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में आपको एक सिलिका जेल मिल जाएगा, रिमोट है, चार्जिंग केबल है, वारंटी कार्ड है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, डॉली है, कुछ एक्स्ट्रा गैस्केट और एक एलम की है और एक माउंट है। बस बॉक्स में यही आता है। चलिए अब डॉली को देखते हैं। ये है यूलांजू की इलेक्ट्रिक डॉली, या फिर कहा जाए कैमरा ऑटो डॉली। मॉडल है L4X। ये कुछ इस टाइप की दिखती है। यहाँ पर यूलांजू लिखा हुआ है। 2 माउंट हैं, 1/2 इंच के और 1/4 इंच के थ्रेड दिए गए हैं। 3 यहाँ पर व्हील हैं। ये 2 जो व्हील हैं ये फ्रीली मूव करते हैं जबकि ये मोटर के साथ अटैच हैं। यहाँ पर 3 LEDs हैं जो कि बैटरी की परसेंटेज को बताती हैं। साथ में एक सिस्टम LED है स्पीड को कंट्रोल के लिए। यहाँ पर एक बटन है फॉरवर्ड रिवर्स, इसके लिए बटन है। इस साइड ऑन ऑफ स्विच है और साथ में माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग और डाटा सिंकिंग के लिए। ये जो आर्म है ये फ्रीली मूव कर सकती हैं। आप इसको 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर मार्कर भी मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इन आर्म्स को किसी पर्टिकुलर एंगल पर एडजस्ट कर सकते हो और डिपेंडिंग अपॉन योर एंगल ये जो डॉली है ये आइदर लीनियर मोशन या फिर आइदर सर्कुलर मोशन में मूव कर सकती है और डिपेंडिंग अपॉन द एंगल वैल्यू जो रेडियस बनेगा सर्कल का वो सेट होगा। नीचे की साइड को एक स्टिकर है जिसमें इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है L4X, इनपुट 5 वोल्ट 2 एम्पीयर, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिखाई गई है। 2 बड़े स्क्रूज हैं, यहाँ पर 3 और बड़े मोटे स्क्रू हैं। यह है यूलांजू की कैमरा ऑटो डॉली L4X। चलिए दोस्तों अब इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर है ऑन ऑफ स्विच और ऑन करते 3 ग्रीन कलर की LEDs जल जाएंगी। आप इस बटन को प्रेस करके स्पीड को वेरी कर सकते हो, 1st, 2nd एंड 3rd। और इस बटन को प्रेस करके आप जो रोटेशन है मोटर का उसको रिवर्स कर सकते हो। और इस डॉली को स्टार्ट करने के लिए आपको अब इस बटन को प्रेस करना होगा। तो स्पीड नंबर 3 है ये इस समय और मैंने आर्म को ऐसे कुछ एडजस्ट किया है जिसकी वजह से ये इस समय सर्कुलर मोशन ट्रेस कर रही है। आवाज़ है मोटर में। ये डॉली 3 स्पीड मोड्स में चलती है, 2.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 2.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह है 1st गियर या फिर कहा जाए कि स्पीड नंबर 1। ये है 2nd और ये है 3rd। आप रिवर्स डायरेक्शन के लिए इस बटन को प्रेस कर दीजिए तो ये रिवर्स चलना शुरू कर देगी। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी है जो कि 3 घंटे में
फुली चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद लगभग 6 घंटे तक का बैकअप देती है। दोस्तों आप इस डॉली को जो साथ में रिमोट आ रखा है उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। यह है रिमोट, चलिए इसको ऑन करते हैं। वेट है इस डॉली का अराउंड 495 ग्राम। और दोस्तों अगर आपको लीनियर मोशन करना है तो आप जो मार्कर है उसको कुछ स्टेप्स एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद जब आप इस डॉली को ऑन करोगे तो ये लीनियर मोशन करेगी। यहाँ पर एक अडेप्टर भी मिलता है जो कि 1/2 इंच की थ्रेड को 1/4 इंच की थ्रेड में कन्वर्ट कर देगा। चलिए इसको लगाते हैं। अब दोस्तों आप किसी 1/4 इंच की डिवाइस को यहाँ पर माउंट कर सकते हो। दोस्तों बॉक्स में एक एलन की है और एक एक्स्ट्रा रबड़ की ग्रिप है व्हील्स के लिए। आप दोस्तों इस आर्म को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको इसको स्लाइडर को ऊपर मूव करवाना है और ये जो गैप है ये कम हो रहा है तो आप गैप को बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर एक स्क्रू है, एलन की से स्क्रू को ढीला करके आप व्हील के डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर से बढ़ा के 12 सेंटीमीटर तक कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। मैंने इस डॉली के ऊपर अपना एक मिररलेस कैमरा सोनी का A6300 लगा दिया है और कुछ स्टेप से ये शॉट्स ले सकता है कैसे मैं इस डॉली को राउंड घुमा रहा हूँ, और फुटेज आप यहाँ पर देख लीजिए। तो काफ़ी कमाल का इसने ये शॉट लिया है। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हो टू गेट अ परफेक्ट एंड गुड शॉट। इसके जो व्हील्स हैं उसको मैंने अपने स्लाइडर के हिसाब से एडजस्ट कर लिए हैं और ये डॉली स्मूथली स्लाइडर पर चल रही है। यहाँ पर मैं कुछ स्टेप से शॉट को क्रिएट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली डॉली नो डाउट काफ़ी बढ़िया है और लेने लायक है। कैसी लगी आपको ये डॉली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप इस डॉली को ख़रीदना चाहते हो लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, अराउंड $50-$51 की आपको ये मिल जाएगी। मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है लाइक बनता है और साथ में शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इस डॉली के बारे में जान पाएँ। नमस्कार।